हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले कमेंट करने से पहले हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वैसे कि आज हम एक न्यू टॉपिक पर उतर आए हैं कि जैसे कि आज हम आपको बताएंगे टीवी थोड़ी देर चलने के बाद फिर गैस डिड हो जाना। इसका फार्मूला एक ही होता है कि जो कि हमारा किसी डायोड एंड कंपोनेंट रेजिस्टेंस या किसी जिनर डायोड की वजह से ये शॉर्टिंग होती है। सबसे पहले हमको टीवी पर क्या चेक करना चाहिए, इसी कि हम सिर्फ लाइव वीडियो बनाते कि फैन वीडियो पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमने इस टॉपिक पर जो बताया है आपको, सिर्फ टीवी की ये बोर्ड है जो कि हम मार्केट से तो नहीं लाते, हमारे पास टीवी के पड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। टीवी में आपका बहुत ही अच्छा मस्तक है जो कि आप रिपेयर करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज का आवश्यक होना, जैसे कि अब हमने पहले आपके पास टीवी थोड़ी देर चलने का फेडिट हो जाना, तो इसके बारे में जो कि हमारा फार्मूला एक ही होता है गाइस, टीवी थोड़ी देर चलने के बाद फेडिट हो जाना। तो इसके बारे में आपको अभी टॉपिक पर बता दे रहे हैं कि टीवी थोड़ी देर चलने के बाद क्यों डेड होता है, क्या मसला होता है और क्यों डेड होता है और इसमें क्या रीज़न है, और इस रीज़न के बारे में आपको अभी हम बता दे रहे हैं गाइस। सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी भी रखना चाहिए। जैसे कि हमारा ये मल्टीमीटर गाइस, हम जैसे आपको बता दे रहे हैं हमारा गाइस ये मल्टीमीटर डिजिटल, ये इसकी डिस्प्ले, ये इस पे दो पिन लगे हुए गाइस, प्लस माइनस। अगर इन दोनों को कंटिन्यूटी में रखते हैं, यहाँ पर जीरो जीरो आ रहा है तो और अपना मल्टीमीटर बीप दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए हमारा पूरी तरीके से परफेक्ट वोल्टेज कंडक्ट हो रहा है गाइस। तो आपको कंटिन्यूटी पर रखना है और कंटिन्यूटी पर बीप की आवाज़ आ रही है। अगर डायोड को चेक करते हैं, अपने पास एक डायोड है और डायोड का काम होता है जो फिल्टर वोल्टेज करना और शॉर्टिंग या एसी से डीसी कन्वर्ट करना। और जैसे कि आपको इस तरीके से बता दिया कि जब डायोड पर आप इस तरीके से धारा देगी, आपके पास 12 वोल्टेज जैसे आप दे रहे हैं गाइस, 12 वोल्ट इनपुट, तो आप 12 वोल्टेज डायोड पर इनपुट देंगे तो आपका 12 वोल्टेज ही निकालेगा कन्वर्ट करके। आपका एक ही मसला होता है कि जब डायोड होता है तो वो वोल्टेज को बैक करने का काम को सक्षम होता है। जिस तरह आपने इस साइड करंट दे दिया, आपने इस साइड करंट गाइस दे दिया, तो डायोड का मतलब होता है कि आप करंट इस साइड नहीं जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर डायोड शॉर्ट हो गया तभी करंट जाएगा। जब कभी आपको डायोड की चेक करने की विधि बता दे रहे हैं, आपके पास एक डायोड जिस तरीके से 4, 4, 7, 5, 0, 8 इतने प्रकार के डायोड होते हैं गाइस, आपको सिर्फ डायोड लेना है और डायोड को कैसे चेक करना हम बता दे रहे हैं आपको इसी वीडियो आपको जी। हम थोड़ा प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं कि डायोड को कैसे चेक किया जाए, सिर्फ डायोड की शॉर्टिंग कैसी होती है, कैसे चेक करनी चाहिए आपको। जिस तरह हम इसको नीचे रख देते हैं, आप जैसे डायोड हमारे पास 5508 4007 नजदीक से दिखा दे रहे हैं आपको, नज़र आ जाएगा, नज़र नहीं आ रहा गाइस हमारा थोड़ा कैमरा गाइस मिस्टेक है गाइस। तो आपको 5508 डायोड लेना है, 4007 32 3 ऐसे कई नंबर के आते हैं गाइस डायोड, हम पूरे नंबर नहीं बता पाएंगे आपको। जैसे हमारे पास एक मल्टीमीटर डिजिटल कंटिन्यूटी पर रखते हैं, आपको यहाँ चेक करना है। टीवी में 80% समस्या डायोड के होते हैं गाइस, टीवी में डायोड शॉर्टिंग होते हैं हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। जैसे हम मल्टीमीटर कंटिन्यू पे रखते हैं डिस्प्ले ऑन की, तो इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमारा एक डायोड है, इसको यहाँ पर रखेंगे गाइस, तो मल्टीमीटर अगर चेक करने पर डायोड कंटिन्यूटी दे रहा है गाइस, जैसे कि हम दोनों मल्टीमीटर को चेक करेंगे पहले, तो हमारे इसमें कोई पुर्जा एंड डायोड कनेक्ट नहीं है। तो हम एक बार आपको डायोड चेक करके दिखा दे रहे हैं, हमारे पास एक डायोड है, पहले हम प्लस साइड कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा प्लस किस साइड होता है गाइस, जैसे इसमें हमने पहले बताया था बोर्ड पर जो प्लस होता है हमारा, जिस साइड लैन होती है लैन साइड में प्लस लगाएंगे, इस साइड कुछ वैल्यू देनी चाहिए। जिस तरीके से देख रहा है इस साइड वैल्यू गाइस नहीं दे रहा है, तो हमारा डायोड सही है, पूरा कंफर्म है डायोड सही है। अगर इस साइड वैल्यू देगा तो वेरी गुड, डायोड सही है। अगर दोनों साइड गाइस वैल्यू देगा तो डायोड कैसा, खराब शॉर्टिंग। तो डायोड पूरी तरीके से सही है गाइस। और अब हम एक
लो वैल्यू का जो डायोड खराब बैड डायोड होगा तो अभी बता देंगे गाइस ये डायोड ए है, फिर चेक करते हैं। देख रहे हैं गाइस बीप मार रहा है स्टार्ट भी और स्टार्ट। जैसे कि हम कोई झूठ फैन वीडियो पे से ध्यान देते, इसको आपको ऐसे टच करना है और आपको घुमा कर ऐसा, तो एक ख़राब डायोड है। अब डायोड की शॉर्टिंग तो पता होगी, जैसे कि हमने टीवी में आपको बता दिया था टीवी में सिर्फ यही फॉल्ट मसला आता है। टीवी पर जो आप देख रहे हैं डायोड लगे हुए हैं, अगर ये डायोड ख़राब हो गया तो क्या होगा, टीवी थोड़े से चलने के बाद बंद हो जाएगी। क्या डायोड अधिक गर्म होते हैं तो डायोड क्या करेंगे फॉल्ट महसूस करेंगे, तो जो 765 एस्टर होता है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जो एक इसमें आईसी होती है कपलर आईसी, वो क्या होती है करंट को ऑफ कर देगी, वो मेन आईसी अपने आप स्टैंड बाय पर चली जाएगी। तो इस तरीके का आपको टीवी पर फॉल्ट को चेक करना है गाइस। टीवी थोड़ी देर चलने के बाद फेड डेड होना, इसका समस्या एक ही होता है टीवी, उस पर 110 वोल्ट चेक करेंगे। इसके बाद टीवी ऑन होने के बाद कुछ देर चल जाएगा, फिर डायोड फॉरेशन कुछ इस कारण टीवी को ऑन ऑफ हो जाता है। आपको रेस्टर्स ख़राब है 88% रेस्टर्स का, 80% डायोड का होता है। ठीक है जी, आपको तो समझ गया। तो डायोड एक डायोड और एक कैपेसिटर, इसको चेक करके भी हम दिखा देंगे। ए बी बी एल यू एंड बी दोनों साइड मारेगा तो ख़राब है, या कुछ बैलू दे तो ख़राब है, थोड़ी शुरुआत में बैलू देनी चाहिएगा। इसके जरा आपको बता दे रहे हैं, जब कभी UF 85 डिग्री टेम्परेचर इतने पर गर्म होता गाइस, अगर एक कैपेसिटर है तो इसमें हो गए माइनस प्लस। अगर कैपेसिटर दोनों टर्मिनल आपस में टच करने पर मल्टीमीटर बीप जाए तो ख़राब है। तो आपका टीवी में एक मसला होता है, अगर ये दोनों पुर्जे आप रेजिस्टेंस पर एक रेजिस्टेंस होता है गाइस, रेजिस्टेंस भी कभी कभी क्या होती है रेजिस्टेंस अपने पास लगी है गाइस, इसमें हम नंबर बता दे रहे हैं आपको, अपने पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 4 वैल्यू की जैसे देख रहे हैं कत्थई कत्थई कलर, फिर इसमें आ गया काला, इसके बाद आ गया जैसे कि कत्थई, इसमें आ गया गोल्ड गोल्ड। तो इसने आप रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कि हमने आपकी थ्योरी रेजिस्टेंस की आपके पास होगी तो आपको पता ही होगा गाइस, इसमें रेजिस्टेंस पर एक ही डिसीजन होता है कि आपका जो कत्थई होता है सब कत्थई का एक होता है, ब्लैक का जीरो होता है, फिर कत्थई का एक होता है और गोल्ड का जीरो। अगर साथ आपका लास्ट में गोल्ड है तो आपका इसमें कत्थई का जीरो हो जाएगा, तो दोनों मिला के काला का जीरो और कत्थई का जीरो होगा, तो आपका 100 ओम्स की रेजिस्टेंस होगी। अगर ये वैल्यू नहीं देगी कुछ नहीं देगी बीप भी नहीं मारेगी तो रेजिस्टेंस क्या है ओपन है। रेजिस्टेंस काम है किसी रास्ते में रुकावट डालना का, अगर रुकावट डालने का रेजिस्टेंस काम होता है फ्यूज का भी काम होता है, जैसे कि कुछ शॉर्टिंग होता है तो बीच से क्या होती है गाइस इस तरह की ओपन हो जाती है, जिस तरह दोनों टर्मिनल ओपन कर दिए इसी तरीके रेजिस्टेंस काम होता है। LCD एंड LTV सभी उपकरणों में प्रयोग की जाती है, SM रेजिस्टेंस भी इसी की तरह थोड़ी बता रहे थे। अब चलते हैं स्टेप 2, जिस तरह के देख रहे हैं स्टेप 2 में हम टीवी में नीला कलर नहीं आना, इसका एक ही रीजन होता है गाइस, ST बनना लेकिन स्क्रीन नहीं आना। तो हमें सर्वप्रथम टीवी का ST का कैप चेक करें, जो ST का कैप होता है गाइस इस तरीके का ST कैप होना चाहिए आपका टीवी में, हर यूज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बता रहे हैं ST कैप इस आकार का होता है, जो इसमें एक पिन कनेक्ट होती है और इस पर एक तार लगा रहता है जो पिक्चर टू पे कनेक्ट होता है। अगर इस पर आपका जो फिलामेंट रोशनी देगा कार्बन लग जाएगा तो भी आपका पूरे वोल्टेज आल ओके होंगे, लेकिन कार्बन की वजह से रोशनी नीला पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको इस कैप को चेक करना है। कैप सिर्फ पिक्चर टू के ऊपर ही लगा रहता है जहाँ पर 23,000 वोल्टेज आउटपुट होते हैं, जो 110 वोल्टेज इनपुट लेने से ही, तो आपको इसी को चेक करना है। तो आप इस पर चेक करने से आपको बता दे रहे हैं आपके ST होती है, ST कैप होती है आपको गैस इसमें लगी रहती है, लेकिन इस पर नहीं है, इस टर्मिनल पर लगी रहती है। हमारे पास कोई यहाँ पर प्लेट है PVC नहीं है गैस, इस तरह देख रहे हैं एक बोर्ड हमारे पास पड़ा है, इस पर लगा हुआ है एक कैप।
आपके पास इसमें कार्बन आ जाता है। इस कार्बन आने की वजह से पिक्चर 15-16 मिनट या 5 मिनट लेट आती है। इस वजह से जब तक पिक्चर आने का टाइम होता है टीवी स्टैंड बाई पर चली जाती है तो आप स्क्रीन नहीं देख पाते। फिर जब उसे दोबारा ऑन करते हैं तो आपका एक सीरियल होता है। तो इसी टॉपिक पर हम वीडियो बता रहे थे। और सब पढ़ता हमें टीवी का एचडी को चेक करें, कैब भी सही है लेकिन नहीं स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो एचडी की चारों ओर की रिस्टेंस चेक करें, रिस्टेंस सारे ओके हैं, टीवी स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि आपको जी समझ में आ रहा है, अभी आप बाहर जो पीछे स्टूडेंट बैठे हैं आप ऐसे ही आप टीवी ओके कीजिए ना, ठीक। तो आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। तो कैप होती है, एक एचडी होती है, 180 वोल्टेज बनते हैं तो आपका एचडी सही है, और जो आईसी से आने वाला पावर सेक्शन होता है वो भी सही है। तो आपका जो टीवी का सारे वोल्टेज ओके इसकी नहीं आ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि एचडी ख़राब है या एचडी बनने से लेकिन कुछ समस्या नहीं आती है, तो हमें एचडी बदलना होगा। टीवी ऑन स्क्रीन में आ जाएगा, फिर ऑन नहीं हो तो हमें समझना चाहिए कि टीवी का एक क्वाल ख़राब है, ठीक है जी। एक क्वाल एक क्वाल गाइस माइक आकार का होता है जो हमारे टीवी के अंदर प्रयोग किया जाता है, ऐसा गाइस इस पर ऐसे और इस तरीके के पिक्चर टू पर लगा रहता है, उस पर ऐसा तार लगा रहता है गाइस, जो हमारे फिलामेंट के पिक्चर को रोशनी बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह हमारी टीवी है, इस टीवी पर पिक्चर आ रही है गाइस, पिक्चर आ रही है गाइस, टीवी हमारी टीवी पर टीवी में आपका सिर्फ इस साइड का पार्ट कट जाए इस साइड का, तो अपना एक क्वाल ख़राब होता है, या लाइन आ रही है तो एक क्वाल ख़राब होता है। और हम कल आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि टीवी में आते आते मैपिंग टाइप की प्रॉब्लम आती है फिर सही हो जाती है, तो कौन सा पुर्जा शॉर्टिंग होता है और कौन सा पुर्जा मसला करता है, इसी टॉपिक पर वीडियो बताएंगे। और हम मिलते रहेंगे, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम इसी वीडियो के टॉपिक पर जो हमारा मस्त वीडियो बनाने का हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, और हम इसी वीडियो को कट करते हैं गाइस। वेरी गुड इम्पोर्टेंट।